यमनी हौसी बागियों की तरफ से दागे के मिसाइल और तीन ड्रोन को अरब इत्तेहाद ने रास्ते में ही नाकाम बना दिया। अरब इत्तेहाद ने इतवार को यमन में ईरान की हमायती याफ्ता हौसी बागियों के बैलिस्टिक मिसाइल और तीन ड्रोन हमले नाकाम बना दिए हैं। अरब इत्तेहाद के हवाले से बताया के दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन रास्ते में ही तबाह कर दिए गए थे। अरब इत्तेहाद ने जो यमन में बैनुल अक्वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत की सपोर्ट के लिए जंग लड़ रहा है, कहा कि ये हमले यमन में मौजूद हौसियों की जानिब से आम शहरियों को निशाना बनाने के लिए किए गए थे। अरब इत्तेहाद ने मजीद कहा है कि बैनुल अक्वामी इंसानी कवानीन के मुताबिक आम शहरियों के तहफ्फुज के लिए तमाम जरूरी अमली इकदाम उठाए जा रहे हैं। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ ने हमलों की मजाहमत की है। OIC के सेक्रेटरी जनरल ने एक बयान में कहा कि हौसियों ने मुतवातर जंगी जराइम का अर्तकाब बैनुल अक्वामी कवानीन इकदार और मुहिदों की खुली खिलाफवर्जी की है। अरब अमारात ने हमलों की मजाहमत करते हुए आलमी बरादरी से कहा है कि वो ऐसे बार बार हमलों के खिलाफ फौरी और फैसला कुन मौकफ अपनाए। बयान में कहा गया है कि ऐसे हमलों से सऊदी अरब की सलामती और इस्तेहकाम को खतरा लाहक हुआ है। हालिया दिनों में ऐसे मुसलसल हमलों ने कशीदगी को बढ़ा दिया है, जो कि खिते की सलामती और इस्तेहकाम को हौसी बागियों की तरफ से लाहक खतरात के लिए नए सबूत और शवाहिद हैं। बहरीन ने आलमी बरादरी से हमलों की मुजाहमत करने का तालबा किया है, जिसे इलाकाई और बैनुल अक्वामी सलामती और इस्तेहकाम को खतरा है।